अस्सलामुअलैकुम। आई एम सॉरी, ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा आप लोगों को? नहीं नहीं सर, चाय पीते पीते वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला। गुड। अच्छा जी, फ़ोन पे बात हुई थी, उसके बाद मैंने ये फाइल तैयार करवा ली थी। अच्छी तरह से देख लीजिए, सारी डिटेल्स इसके अंदर मौजूद हैं। अगर मूड हो तो अभी साइन कर लीजिए, और ना हो तो आराम से घर ले जाइए, पढ़िए, इत्मीनान से साइन कर दीजिएगा। आई होप यू गाइस आर एक्साइटेड। हाँ, $1 million ऑन साइनिंग। I'm sorry, sir. Maybe it must be a typo. 51%? Excuse me? No, I mean, this says 51% equity aapki hogi. I don't get it. Huh? 51%? Kyun? Kya samajh rahe hain aap log? Aap samajh rahe hain million dollar investment ke baad majority stakeholder bhi nahi banunga, yani ki main aap logo se orders dunga. Sir, dekhen, orders ki baat nahi hai. This is our baby. And like all startups, the CEO should... Like all startup, this will also fail. ये जहन में रखिएगा, वो भी लॉन्च से पहले, बल्कि आप लोग लॉन्च ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना ही आप लोग के पास कोई पैसा है और ना ही कोई और इन्वेस्टर। राइट? बिलीव मी, इट्स अ वेरी गुड डील। ख्वाब पूरे करने हैं कि नहीं? हैं सर, वी वर अंडर द इंप्रेशन कि आज हम यहाँ आपसे बात करने आ रहे हैं, असल में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की नीयत से नहीं आए थे। यार प्रॉब्लम पता क्या है, मेरा स्टाइल काम करने का बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं सोचता हूँ और डिसीजन ले लेता हूँ, आप लोग थोड़े मुख्तलिफ तरीके से ऑपरेट करते हैं। एक काम क्यों नहीं करते, आप ये कॉन्ट्रैक्ट लेके जाइए, अपने बड़ों से डिस्कस कीजिए, घर वालों को बताइए, वो शायद हेल्प आउट करें, कुछ समझ में आने में आसानी हो जाए। या आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आईडिया, लेट वी शुड टेक एक दो दिन ले लेते हैं और फिर डिसाइड। नो, एक दो दिन की जरूरत नहीं है, इट्स नो फ्रॉम आवर साइड। हमजा जलाल साहब, ठीक है, हम बच्चे हैं, हमारे पास ना ही पैसा ना इन्वेस्टमेंट, लेकिन हम इतना जानते हैं कि हम अपनी कंपनी का 51% नहीं देंगे, ना आपको ना किसी और आप सोच लें, अपने बड़ों से डिस्कस कर लें, हो सकता है वो आपको बेहतर मशवरा दे दें। हमजा, मुझे लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी ना जज्बात से काम नहीं लेना चाहिए था। अच्छा, तो फिर क्या करता? अपनी कंपनी के मेजोरिटी स्टेक्स उसे दे देता। हमजा, कंपनी हम सबकी है। यार मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि साइन कर देते, पर बार्गेनिंग का रूम तो छोड़ना चाहिए ना, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें उन्हें काउंटर ऑफर देनी चाहिए थी। आई एग्री विद हमजा, वो काउंटर ऑफर वाला बंदा है ही नहीं, हमारा बॉस बन जाता। वो बहुत टेढ़ा किस्म का इंसान है यार, 51% शेयर्स लेके हमें हमारी कंपनी से चलता कर देता। He wanted to be our boss. शेयर्स तो होते ना हमारे, अभी क्या है? यार तुम्हें नहीं पता, ऐसे लोगों के पास हजारों तरीके होते हैं फ्रॉड करने के। लिसन, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि हमें अपने ना रिलेशन सबसे अच्छे रखने चाहिए, कल को हमें उनसे कोई काम भी पड़ सकता है, पर तुम तो जलील करके आ गए उनको। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कम ऑन, अपने बड़ों से पूछ के, सीरियसली ऐसे कौन कहता है? वैसे दावा बहुत टाइट, स्टीव जॉब्स वाली हरकत की तूने। तो अब बताओ बॉस, क्या प्लान है आगे का? प्लान, चलो चलते हैं और लोगों के पास कटोरा लेकर। अबे भीख नहीं मांग रहे भाई, इन्वेस्टमेंट मांग रहे, और जिससे अगलों को भी फायदा होगा, मिलियंस का, बिलियंस का, ट्रिलियंस का हो सकता है। लेकिन मांग तो नहीं है ना। काश हमारे माँ बाप भी अमीर होते, मतलब हम सब के। अच्छा मेरी बात सुनो, कोई दिमाग में इन्वेस्टर्स है तो बोलो। आइडिया, मेरे मामू की दोस्ती है एजाज असलम से, और वो बताते हैं कि वो बहुत रहम दिल आदमी है, आला आदमी है, सबकी मदद करता है। मैं कहता हूँ इस अजीम इंसान के पास चलते हैं, ये हमें रुस्वा नहीं करे।